हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सेकंड फॉर अकाउंटेंसी। आज के टॉपिक्स है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ट्रायल बैलेंस। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताएगा। और हाँ, अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मलिक ट्यूटोरियल और वहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहीं पे PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कमेंसेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वर 50,000 एंड लाइबिलिटीज वर 10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। ऑप्शंस है 40,000 एंड 10,000, 30,000 एंड 10,000, 33,000 एंड 9,000, नन ऑफ दीज। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। आपको पता है इसने 31 मार्च 2020 में दिए हैं, तो इसके क्लोजिंग एसेट्स है और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ है, तो हमें पहले निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। तो हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। हमारे पास एसेट्स है 50,000 और लायबिलिटीज़ है 10,000, तो कैपिटल सीधे ही आएगी हमारे पास 40,000। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास निकली 40,000 और ओपनिंग कैपिटल थी हमारे पास देके ऑलरेडी 30,000। 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल 10,000, तो हमारे पास आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन ए 40,000 एंड 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स ऑप्शन ए इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्योंकि हमने क्रेडिटर को पे किया तो हमने एसेट्स को, हमारे एसेट्स को डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो लायबिलिटी थी वो भी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मींस डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। क्योंकि देखिए, हमने मशीन को परचेज किया तो एसेट में इंक्रीज हो गया, और हमने कैश से परचेज किया तो वो हो गया डिक्रीज इन एसेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनीष बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, कैश एंड बैंक ड्राइंग्स एंड कैश, कैश एंड बैंक लोन, नन ऑफ दीज। जल्दी इसका आंसर बताइए। हाँ जी, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, कैश एंड बैंक लोन। क्योंकि देखिए, मनीष ने बोरो मनी किया बैंक से, तो इसमें आया हमारे पास कैश, आया ना कैश, और दूसरा कहाँ से बोरो किया, बैंक से लोन लिया, तो दूसरा अकाउंट आएगा हमारे पास बैंक लोन अकाउंट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आदिल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हिज अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कैश 2000, अकाउंट्स पेएबल 200, अकाउंट्स रिसीवेबल 500, बैंक लोन 1000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 200, 900, 1200, 1300। जल्दी बताइए, फॉर्मूला आपको पता ही है, एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी से इसको सॉल्व करना है। पहले एसेट्स को हम ले लीजिए, पहले एसेट्स को आप ले लीजिए। एसेट्स है हमारे पास कैश 2000 और अकाउंट्स रिसीवेबल 500, तो बन गए हमारे पास एसेट्स 2500। लायबिलिटीज है हमारे पास बैंक लोन 1000 और अकाउंट्स पेएबल 200, तो बन गए लायबिलिटीज 1200। तो कैपिटल इज इक्वल 2500 माइनस 1200, दैट इज ऑप्शन डी 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी मे लीड टू डिक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, ईदर ए और बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? यस, इसका आंसर आएगा हमारे पास ईदर ए और बी, या तो डिक्रीज होगा एसेट में या तो इंक्रीज होगा अनदर लायबिलिटी में, तो ईदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन वेयर अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम डेटर? ओनर्स इक्विटी एंड कैश, ओनर्स इक्विटी एंड डेटर्स, डेटर्स एंड कैश, नन ऑफ द अबोव। बताइए इसका आंसर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था, इसी टाइप का, तो हाँ इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेटर्स एंड कैश। क्योंकि देखिए, आपने रिसीव किया डेटर से, तो क्या रिसीव किया? कैश। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, डेटर्स एंड कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल इज आल्सो नोन एज इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, ऑल ऑफ द अबो। जी हाँ, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबो। कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी भी, ओनर्स इक्विटी भी, नेटवर्थ भी, तो आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द फर्म्स ट्रांजैक्शंस एट 31st March 2019। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 22,650, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स रुपीज 3,110, अनप्रेजेंटेड चेक्स 6,290, bank credit recorded twice by bank in error 650. Which balance for cash at bank should appear in balance sheet as on 31st March 2019? 18,820, 20,120, 25,180. बताइए इसका आंसर आप। Balance as per bank statement है 22,650. देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 22,650। अनक्लियर लॉजमेंट्स जो होते हैं ना, वो मनी होता है जो बैंक अकाउंट में तो आया होता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, तो हम इसको प्लस करेंगे। 22,650 प्लस 3,110, तो वहाँ पे हमारा आएगा 25,760। उसके बाद है हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो मनी होता है जो कंपनी ने लिखा तो होता है लेकिन बैंक ने अभी दिया नहीं होता है, ठीक है? कंपनी ने अपने अकाउंट्स में लिखा होता है लेकिन बैंक ने अभी दिया नहीं होता, तो ये हम माइनस करेंगे। सो 25,760 था ना हमारे पास अभी अमाउंट, माइनस करेंगे 6,290, उसका आएगा 19,470। उसके बाद हमारे पास एक और ये है, बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो दो बार
बैंक क्रेडिट आया है, वो बैंक एरर है, तो उसको हमें माइनस ही करना है. तो 19,470 माइनस करेंगे 650, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज 18,820. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पेमेंट्स मेड थ्रू द चेक्स, टू नो द एरर्स इन द पासबुक, टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड एसर्टेन द डिफरेंस, नन ऑफ दीज. ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर. हाँ जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू कंपेयर विद कैश बुक एंड पासबुक एंड एसर्टेन द डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैश बुक बैलेंस वॉज रुपीज 1790 डेबिट, व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वर रुपीज 1040 एंड डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड वर रुपीज 820. बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट विल बी, जल्दी बताइए आप. बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट बतानी हमें. ठीक है, तो पहले हमारे पास है 1790 कैश बुक का बैलेंस. ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स जो कि थे रुपीज़ 1040, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बैंक ने वो लिखे होते हैं लेकिन अभी पे नहीं किए होते, तो ऐड करेंगे. तो जब ऐड करेंगे वहाँ से आएगा हमारे पास 2830. उसके बाद है हमारे पास डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, वो क्रेडिट नहीं हुए हैं बैंक में, तो वो माइंस करेंगे. सीधी सी बात है, जब हम उसको माइंस करेंगे, 2830 को माइंस करेंगे 820, वहाँ से आएगा हमारे पास ऑप्शन सी 2010 क्रेडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन कैश बुक बैलेंस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, ऑल ऑफ द अबो. बताइए आंसर इसका जल्दी से आप. किसको कैश बुक में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक. इसका आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक, अकाउंट होल्डर. जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं ज़्यादा टाइम इसके लिए आपको नहीं दूंगी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपली इसका आंसर है ऑप्शन डी, अकाउंट होल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, at the end of each month, at the end of accounting year, whenever a bank statement is received. बताइए इसका आंसर भी जल्दी. इसका आंसर है ऑप्शन डी, whenever a bank statement is received. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ the bank columns in the cash book of the account holder, the relevant account in the books of a bank, the cash columns in the cash book of a customer, none of these. बताइए इसका आंसर. तो पासबुक जो होता है वो होता है रेलेवेंट अकाउंट, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर वो होता है. इसका आंसर है ऑप्शन बी, द रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक. इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, टोटल ऑफ सेल्स डज नॉट एग्री, नन ऑफ दीज.
बताइए इसका आंसर, ये भी सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। जब भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती है तो हम एक अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन जजिंग द फाइनेंशियल पोजिशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नन ऑफ दीज। बताइए आंसर इसका। इसका आंसर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ऑप्शन सी। ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट्स। बताइए इसका भी आंसर। सो यस, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपल्सरी, ऑप्शनल, कंपल्सरी और ऑप्शनल, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। इसका आंसर है बी, इट्स ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज, टू हेल्प लोकेटिंग एरर्स, समरी ऑफ ईच अकाउंट, नन ऑफ दीज। मैं मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, मेन ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस। एसेट अकाउंट की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन, बताइए जल्दी। जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, ड्राइंग्स, ओपनिंग स्टॉक। क्या नहीं इंक्लूड होता है ट्रायल बैलेंस में, बताइए। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं इंक्लूड होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेफ्ट ओवर बैलेंस होते हैं, जो हमने गुड्स परचेज किए होते हैं उसके एंड में जो उसका लेफ्ट ओवर बैलेंस होता है गुड्स का, वो होता है। तो परचेज हमने ऑलरेडी जो है इंक्लूड किए होते हैं, तभी हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट आएगा फिर। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बताइए इसका आंसर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, आपको देखनी इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। बहुत सिंपल है ये। इसका आंसर है ऑप्शन बी,
एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो हाउ कैन एसेट्स बी लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट बैंक, द टोटल ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, नन ऑफ दीज. जल्दी से इसका आंसर बताइए आप. तो इसका आंसर है बी, कैश एट बैंक. क्योंकि देखिए डेबिट साइड में देखना है हमें, ठीक है, डेबिट साइड देखना है बैंक कॉलम का, जो कि कैश बुक का बैंक कॉलम है उसका डेबिट साइड देखना है. तो डेबिट साइड में जो आपको मिलता है वो आप रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश एट बैंक जो है वो डेबिट साइड में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ डेबिट कैश बुक बैलेंस व्हेन चेक इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन द बैंक. एडिट टू द पास बुक बैलेंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, एड टू द कैश बुक बैलेंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पास बुक बैलेंस. बताइए इसका आंसर. जी हाँ, तो इसका आंसर है सी, ऐड टू द कैश बुक बैलेंस. क्योंकि देखिए हमारे पास कैश बुक की डेबिट बैलेंस पता है हमें, तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई बैंक में, हमें पता नहीं था ना, डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई तो हम फिर इसको ऐड करेंगे कैश बुक बैलेंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इफेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ कैश इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, नन ऑफ दीज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए. इसका आंसर है बी, कैपिटल अकाउंट. क्योंकि हम जो हैं ड्राइंग्स, जब वो ड्राइंग्स जब भी हम निकालते हैं तो वो हम कैपिटल में से निकालते हैं, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को माइनस की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस. इसमें से हम क्या दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में, वेज पेड, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बताइए इसका आंसर जल्दी. तो इसका आंसर है डी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड में आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस देन द बैलेंस मींस अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स, नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, नन ऑफ दीज. बताइए इसका आंसर जल्दी से. तो हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स. क्योंकि जब डेबिट साइड इक्वल होगा क्रेडिट साइड के, तो इसका मतलब ही है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है. तो हमारे पास पहले है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, परचेस्ड फर्नीचर 25,000, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे ये ऑन क्रेडिट है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 60,000. ऑप्शन ए है हमारे पास 2,85,000, बी है हमारे पास 2,60,000, सी है हमारे पास 2,30,000, डी है हमारे पास 2,15,000. बहुत सिंपल है ये, कीजिए इसको सॉल्व. एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज करना है. पहले ही एसेट्स में आएंगे कैश में 2 लाख और वहां से कैपिटल में आएंगे 2 लाख. फिर हम परचेज करेंगे फर्नीचर 25,000 का, तो परचेज हमने फर्नीचर किया 25,000 का, तो 25,000 आए भी और कैश निकला भी 25,000 का, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 60,000, तो इसमें हमें एसेट्स में हो जाएंगे 60,000, तो क्रेडिट में लिए तो लायबिलिटी हुई, तो वहां से भी लाइबिलिटीज में 60,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2,60,000, दैट इज ऑप्शन बी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.